चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ममता बर्नवाल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी। इसे हमारे यहाँ बुनिया कहते हैं। इसे बनाने के लिए नॉर्मली झारे का यूज किया जाता है, पर मैं आज आपको इसे पूरी तलने वाली छन्नी से बनाना बताऊंगी। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और कम समय में बन जाती है। आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं, और बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और पसंद आने पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मीठी बूंदी की रेसिपी को बनाने। मीठी बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप बेसन, 2 टीस्पून ऑयल, 1/2 स्मॉल लेमन और 3 छोटी इलायची। बूंदी को फ्राई करने के लिए ऑयल और ज़रूरत के अकॉर्डिंग वाटर। तो सबसे पहले हम अपने बेसन को छान लेंगे। इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है। इसमें मैं बेसन को डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसकी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएगी और हमारा स्मूथ बेसन मिलेगा, जिसका बैटर जो होगा बहुत ही स्मूथ बनेगा। बेसन को छानने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। बैटर जो है हमारा बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसमें पानी जो हम एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें बनाना है बैटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा बैटर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। और इसमें जो है हमारा पानी लगा है, जो हमने एक गिलास पानी लिया था उसमें थोड़ा सा पानी बच गया है, इतना पानी इसमें पड़ा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ऑयल डालकर मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर रख देंगे और चलेंगे शुगर सिरप बनाने के प्रोसेस में। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके पैन बैठा दिया है और इस पैन में मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया था इसलिए मैं 1 कप शुगर डालूंगी। और अब इसमें 1 कप वाटर डालेंगे और शुगर को इसमें डिजॉल्व होने देंगे। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमारी चाशनी थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाशनी में उबाल आ रहा है और शुगर जो है डिजॉल्व हो चुकी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम लेमन जूस डालेंगे, छोटी इलायची तोड़कर डाल देंगे इसमें, जो हमने तीन लिया था। और फिर इसके बाद फूड कलर डाल देंगे, ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर हम इसलिए डालते हैं कि ये मार्केट की तरह दिखने लगता है। अगर आप चाहें तो आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। और लेमन जूस हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये चाशनी का क्रिस्टलाइजेशन रोक देता है और चाशनी को जमने नहीं देता। छोटी इलायची इसलिए डालते हैं क्योंकि इसकी खुशबू इससे अच्छी आती है। आप चाहें तो चाशनी में केवड़ा जल या केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चाशनी जो है गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये चिपचिपी हुई है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, तो ये चिपचिपी हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और चलूँगी नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो, और जब अपनी बूंदी को डालेंगे तो आपकी बूंदी बाद में क्या होगी कि कड़क हो जाएगी, इसलिए इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है। ये जो मैंने बैटर बनाया था बेसन का, अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि मीठा सोडा डालकर इसे मिक्स करेंगे। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे चलेंगे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन करके पैन बैठा दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। यहाँ पर मैं ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए बैटर डाल रही हूँ, और जब हमारा बैटर तैर के ऊपर आ जाता है तो यानी कि हमारा ऑयल रेडी है फ्राई होने के लिए। अब हम इसको निकाल देंगे। पहले बूंदी बनाने के लिए मैंने ये छन्नी लिया है पूरी तलने वाला, और इसी छन्नी से मैं बूंदी बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमें डाल देना है बैटर को, और इस तरह से उसके होल में से निकल के ये बूंदी आएगा और फ्राई होगा।
एक साथ हम बहुत ज़्यादा बूंदी फ्राई नहीं करेंगे, जितना बूंदी पैन में आ जाए उतना ही हमें फ्राई करके निकालना है। तो थोड़ा थोड़ा ही बूंदी हम डालेंगे और इस तरह से इसको हिला के इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। जब ये फ्राई हो जाता है तो उसमें खनकने की आवाज़ आती है, जिससे पता चलता है कि हमारी बूंदी फ्राई हो चुकी है। और अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो हमारी बूंदी जल भी सकती है। और जब आप फर्स्ट टाइम इसको जब डालते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए। डालने के बाद, बूंदी को डालने के बाद, तब हम टेम्परेचर को मीडियम या लो कर देंगे, जिससे कि हमारी बूंदी जलेगी नहीं और अच्छी बन के निकलेगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी बूंदी बनी है। अब हम दूसरा बैच बनाएंगे। तो दूसरा बैच बनाने के लिए मैंने छन्नी को क्लीन नहीं किया है, बिना क्लीन किए ही उसके ऊपर बैटर डाल दिया है। तो देखिए ये बूंदी कैसी बनती है, जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी बूंदी का शेप जो है वो गोल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो छन्नी का होल है वो क्लीन नहीं करने की वजह से बंद हो गया था, जिससे कि बूंदी का शेप प्रॉपर नहीं आ पाया है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब भी हम बूंदी बनाएंगे तो हमारी छन्नी को क्लीन करना ही है बूंदी बनाने से पहले, नहीं तो हमारी बूंदी का शेप अच्छा नहीं आएगा। देखिए मैं इस छन्नी को क्लीन करके बना रही हूँ तो कैसा शेप आ रहा है। तो इस छन्नी को क्लीन कर रही हूँ मैं टिश्यू से, लेकिन ये प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा टिश्यू से। आप देख सकते हैं कि इसका होल जो है कोई कोई बंद है, सारे होल्स नहीं ओपन है। तो इसे मैं रनिंग वाटर से क्लीन करूँगी। तो इसे मैंने वाटर से क्लीन कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर बैटर डाल रही हूँ और देखिए इस तरह से बैटर गिराने से ये पूरा प्रॉपरली राउंड शेप में ये बैटर गिर रहा है, क्योंकि कोई भी होल बंद नहीं है। तो इसलिए हमें मस्त पहले क्लीन करना है और फिर उसको बनाना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेट में डालकर कि ये कितना परफेक्ट बूंदी बना है, जो कि मैंने क्लीन करके छन्नी को बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन तरह की यहाँ पे बूंदी है। ये जो है परफेक्ट बूंदी है, जो कि बहुत अच्छी बनी है, और इसको बार बार मैंने छन्नी को क्लीन करके बनाया है। और इस प्लेट में जो है लाइट कलर वाली, इसे छन्नी को मैंने बिना क्लीन किए हुए बनाया था, तो इसका शेप खराब हो गया था। और ये जो रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला जो है ज़्यादा फ्राई हो जाने की वजह से ये खराब हो गया था। इस बूंदी को आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, और जब आपका मन करे तो आप इसका मीठी बूंदी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, और चाहे तो आप सब्जी भी बना सकते हैं। अब हमें इस बूंदी को चाशनी में डालकर मीठी बूंदी बनानी है। इसके लिए हम चाशनी को फिर से गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद अपने बूंदी को इसमें डालेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, हमारी चाशनी जो है गर्म होनी चाहिए जब भी हम बूंदी डालें। बूंदी अगर हमारी गर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, बट चाशनी गर्म होनी ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो बूंदी है हमारे शुगर सिरप को जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 4 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे, और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और बाद में क्या होगा कि जब ये 2 से 4 घंटे हो जाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगी और एक दूसरे से ये अलग हो जाएगी। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो सारी बूंदियाँ हमारी अलग हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, आपकी बूंदी जो बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बनेगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।